आपका है, मैं शिवान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविज्ञान। तो दोस्तों, जहां से हमने काम को छोड़ा था कि बोला था कि एक दिन बाद या 2 दिन के बाद इसका वीडियो बनाएंगे, कि काफी भाइयों को यह होता है कि जो नए दाग होते हैं, नए जो प्रॉब्लम होती है, उसको कोई भी निकाल देता है। मेरा ये कि ज्यादा से ज्यादा जो कहते हैं ना कंफ्यूजन दूर करना आपकी, मेरा कोई इस टाइप का काम नहीं है कि किसी को कुछ दिखाना है या वो है। बाकी ये कि आप ये वो ही फैब्रिक है जहाँ पे हमने कलर लगाया था, आप बिल्कुल देख लीजिए वही फैब्रिक है। ये दो नए अतिथि अतिथि बोलेंगे क्योंकि ये भी हमारे काम के साथ जुड़े हैं, इनके विषय में बताएंगे। तो कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको बिल्कुल क्लीन करने के लिए, और मेरे क्या कि जो मेरा जो काम होता है वो जो हकीकत में 1 मिनट यानी 30 सेकंड, 30 सेकंड बहुत होते हैं केमिकल प्रॉब्लम और सिचुएशन को देखते हुए कि क्या है या क्या नहीं है। तो दोस्तों, एक जो ये मौसम चल रहा अभी कई दिन से बारिश आ रही है, इसको बोलते हैं चलती कबड्डी सर्दी की। लेकिन हकीकत में क्या है कि जो ये टाइम होता है कि जो इंग्लिश में जनवरी फरवरी में हमारा जो नया साल शुरू होता है, लेकिन हिंदी में हमारा होता है अप्रैल में, चैत यानी चैत बैसाख जो है। तो ये क्या कि जो भाई तैयार नहीं रहते, ये तो प्राकृतिक देन है कि आगाज हो चुका है और आपके काम के लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए था। बिल्कुल कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र बिल्कुल तैयार होने चाहिए आपके। तो दोस्तों, इसमें एक चीज और आती है कि कड़वी सच्चाई है कि जो हमारे ड्राई क्लीनर ड्राई क्लीन यानी क्लीनिंग के काम से जो जुड़े हुए हैं, जो भी उसके साथ में जितने भी किरदार हैं, वो कहीं ना कहीं काम तो क्लीनिंग का करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दागी हैं। चाहे मैं बेशक क्यों ना हूं, क्योंकि मैं इस लाइन से नहीं हूं, मेरा क्या है कि सबसे थोड़ी जो नॉलेज कहाँ से आती है, आप तो एक दो कपड़े करते हो, तीन चार करते हो एक बार में, मशीन में हो सकता 20 या 20 30 40 डालते हो गए। हमारे यहाँ 500 kg की मशीन में 500 kg कपड़े डाले जाते हैं, अगर प्रॉब्लम हुई एक पे तो सब पे होगी। तो उसको निकालने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा कि आपको इमीडिएट या तो गाली खाएं जूते खाएं, या आप उसको बिल्कुल पता ही ना लगे कि क्या था क्या हुआ क्या नहीं है। और काफी हर एक जगह ऐसे कहते हैं ना बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन वो चमचे टाइप आदमी हर एक जगह होते हैं किसी जीएम का, क्योंकि कमीशन कौन देता है जो एक तरह का अनुभवहीन होता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरी कमी है, इसको छुपाने के लिए कमीशन दे, उसका मुंह बंद करें। लेकिन जिसको नॉलेज होती है, जिसको एक तरह का अनुभव होता है, वो किसी को कुछ नहीं देता। वो क्या देता है? वो देता अपना जो अनुभव है, उसका जो अनुभव है उस हिसाब से अपने जो काम है उसको परिणाम देता है वो। तो दोस्तों, ये शुरू करते हैं अपना काम। ये लेते हैं बाल्टी, ये बाल्टी ली मैंने क्योंकि कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे सब कुछ आ गया, वीडियो बनानी नहीं आई, और अभी आगे आने वाले टाइम में। अच्छा, इसमें केमिकल सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं केमिकल बताता हूँ वो केमिकल नहीं मिलते, तो मेरा बताना बिल्कुल बेफजूल है। काफी लंबे टाइम से बता रहा हूँ, उसमें काफी भाई केमिकल मंगाते भी रहे हैं। उसमें थोड़ी दिक्कत क्या आई है कि भाई किसी का केमिकल डैमेज हो गया है, किसी का केमिकल सही नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरा अमीशन कमीशन लेना देना कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा क्या है कि क्वालिटी से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। पैसे आप हो सकता है एक्स्ट्रा ले रहे हो, लेकिन कि क्वालिटी से छेड़छाड़ करोगे तो मैं आप कोई नहीं हो और मैं आपका कौन, कहते हैं ना मेरा लेना देना उनसे खत्म हो जाता है। ये मैंने बाल्टी रखी, इसमें डालते हैं पानी। ये मैंने पानी लिया, हल्का सा गर्म पानी है क्योंकि पानी तो गर्म था लेकिन
अब काफी देर से क्योंकि वीडियो बनाता, वीडियो बनाने में थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल सा पानी है। और इसमें क्या डालेंगे, ये है क्या कि एक हमारे जो भाई हैं जो महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने 14-15 मिनट की वीडियो बना के ना एक अपना हो सकता है 10-15 दिन का टाइम खराब किया हो, तो उस भाई से वो मुकंद रावत जी, क्योंकि 2 साल से वो मेरे से जुड़े हुए थे, और उसके बाद में क्या कि उनकी जो इच्छाएं थी बहुत ऊपर थी, क्योंकि वो गुरु आदमी है, और क्योंकि नाम लेने बुराई नहीं है, नाम कौन ही लेता, कि कहते हैं ना कि ये जो चीजें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत होनी चाहिए, उसी में हमारे महाराष्ट्र के राधेश्याम बोसर जी हैं। तो जो भी आदमी मेहनती हो, अच्छा मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं किसी बात पे, लेकिन जो मेहनती आदमी है मेरे बिल्कुल दिल के करीब रहता है, कि मैं उनकी वीडियो पहले देखता था, और जब वीडियो देखी और जो मेरा लोगो है उन्हीं का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं तो मेरा इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, लाइन मतलब जो कंपटीशन से लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या कि उनकी मेहनत को देख के वो उन्होंने कहते हैं ना जमीन से जुड़ के जो तरक्की की है, जब ये देखते हैं बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी का भी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, कंपटीटर नहीं हूँ, कि कोई भी आदमी जुड़ सकता है, लेकिन आदमी सोचता कि ये आदमी हमारे मार्केट में आ रहा, भाई मार्केट में मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब होता है कि प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करना, उसमें कोई भी आ जाए, उसमें वीआईपी आ जाए, वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट करने के लिए उसके लिए उपचार है, तो हम अब लेते हैं वो ही केमिकल लेंगे जो उन्होंने बताए थे, क्योंकि जो केमिकल उन्होंने मंगाए थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हाँ जी मैंने भेजा था, यह है चिल्लर ROF है, और उसके साथ में है DKR, एक मिनट DKR देखता हूँ, यह है DKR, और उन्होंने डाला था 200 ग्राम 250 ग्राम, और मैं बताता हूँ आपको मैं कितना डालूंगा इसमें, मेरे डालने की जो इसके अंदर ये मैंने लिया नाप, ये 30 ml का है, ये 30 ml का है, ये छोटा सा उंगली में आ रहा है, तो मैं इसमें डालूंगा सिर्फ 5 ml, ये 10 ml है, 10 ml का निशान है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आधा डालूंगा, क्योंकि पानी मेरे पास अभी है ये 3 3 साढ़े 3 लीटर पानी है, तो इसमें क्या डालता हूँ, DKR डाल रहा हूं मैं, आपको दिख रहा है, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट होता है, काफी भाइयों को क्या होता है कि आप नाम नहीं बताते, भाई मैं नाम छुपा के कहाँ ले जाऊंगा, मैं मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं ना ऊपर स्वर्ग में जाऊंगा नरक में जाऊंगा मुझे नहीं पता, कि वहां पे मुझे दुकान नहीं खोलनी, यहाँ नहीं खोली तो वहां क्या खोलूंगा, मेरे जैसा मंदबुद्धि आदमी क्या करेगा। देखो इसमें ये 10 ml का निशान है, आप देखें 10 ml, और ये 5 ml है, ये डाला इसमें, और उसी तरह ये डाला हमने DKR, इसमें आप DKR की जगह DKI भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप SNI भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप, तो क्या कि ये जो है अब ये डालते हैं चिल्लर, ये चिल्लर है, और इनके जो काम क्या क्या होते हैं उसकी वीडियो बनाएंगे, अब ये भी हम लेते हैं इसमें 5 ml, वो कहते हैं ना 200 ml में कुछ नहीं हुआ, वो नौसिकी आदमी, वो झोला छाप आदमी, लेना देना कुछ नहीं है दूसरे को, कहते हैं ना कि दूसरे को अपने घर चला, अरे इतना बड़ा पेट नहीं है भाई, बच्चों को संस्कार दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, कि ये ना हराम की जो इस टाइप की जो कमाई होती है, और मुझे बोलने में कोई बुराई कोई गुरेज नहीं होता, क्योंकि क्या सच्चाई, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और उसको कहते हैं दवाई, जब रोग होता है ना कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, तो हमने ये 5 ml है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये मेरे ख्याल 7-8 ml हो गया है, कोई बात नहीं,
इसको भी डाल देते हैं और इसके बाद शुरू करते हैं अपना। ये जो हमारे गारमेंट थे, जो जो हमने गारमेंट लिए थे, सबसे पहले शुरू करते हैं इसको, क्योंकि ये गारमेंट है और जो होता है सब लाइव होता है, इसमें किसी तरह का लुकाव छुपाव कुछ नहीं है। इसे मेटल के बटन भी हैं ये, और ये आप देख रहे हो ये आगे पीछे, तो इसको हम डालते हैं। और ये क्या कि ये 1 मिनट का होता है, 30 सेकंड बहुत होते हैं इन चीजों के लिए। ये डाला और इसके साथ में हमने जो हमारा ये होजरी का है, होजरी का जो ये पजामा है, इसको डाला, इसको भी डाल देते हैं, इसमें डिप कर देते हैं। ये तो हमारे वाइट हो गए हैं, इसके साथ में डालते हैं हम ये, क्योंकि ये जो चीजें होती है और केमिकल, ये तो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। इसी में भाई ना काफी भाई इसी में कंफ्यूज हो गए हैं। ये हमारा बिल्कुल कहते हैं ना लाइट पिंक शेड है, इसमें एमरोड ये है गोल्डन और पिंक, ये लोरेक्स वाली है गोल्डन और पिंक का हमारी जो हमारा जो धागा होता है ये आप देख रहे हो। अच्छा, इसमें पेन पेन आपको दिखाता हूं कि जो मैंने इसमें जो इंक डाली थी, ये इंक है, इसकी इंक है, ये इसके जो रिपल है और इसके जो निब है, जो निब है जो बोलते हैं उसमें आगे लगा रहता है, ये निब है इसकी, आपको दिख रही होगी ये निब, ये वाली इसके आगे लगी होती है, ये इस पे लगाया था। ये सब कुछ निकल जाएगा। और ये क्या है जो डीकेआर होता है, डीकेआर चिल्लर, ये एक तरह का क्या होता है, ये डिटर्जेंट बेस होते हैं, लेकिन क्या कि उनकी कार्य क्षमता इतनी पावरफुल होती है। और पावरफुल क्या, सबसे पहला जो केमिकल है, सबसे पहला रसायन है जो, वो हमारा होता है इसमें पानी। पानी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और पानी को कैसे यूज करना, गर्म करें, उसमें नमक डाल लें, बिना नमक के करें, जैसे जैसे उसको हम चेंज करेंगे। अब इसके बाद लेते हैं डायनम, ये डायनम है आपको दिखाई दे रही है, ब्रांडेड है बिल्कुल, क्योंकि इसमें वाश केयर सब कुछ लगे हुए हैं, इसमें ब्रांडेड है। और इसमें डू नॉट ब्लीच, और हम ब्लीच भी नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका कपड़ा सिंथेटिक हो, सिंथेटिक मतलब इस टाइप का कपड़ा हो, सिंथेटिक जिसके अंदर कॉटन, कॉटन आपका 40% हो और 60% उसके अंदर, यानी कॉटन आपका 60% है, 40% उसमें पोलिएस्टर हो, जब भी आप हाइपो ब्लीच रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट कर सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्वांटिटी कम रखें, टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यूट्यूब पे कहीं किताबों में कहीं कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ ठोक बजा के बताता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं आप सीखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं सिखाने वाला कौन होता, मैं गुरु गुरु कुछ नहीं हूँ, क्योंकि गुरु होते हैं बहुत, उनके हम तो कहते हैं ना चरणों के धूल के समान भी नहीं है, लेकिन क्या कि भाई जहाँ तक है थोड़ी बहुत नॉलेज है कोशिश करते हैं, बाकी डिबेट और इस टाइप की जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें क्या कि ये डायनम की दूसरी पेंट है हमारी, क्योंकि इसमें मेटल का बटन, ये सब ये वो है जो मैं घर की, क्यों मेरे दुकान वुकान कुछ नहीं है, जो भाई बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं इसमें लगा हुआ। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें ये जंके दाग भी हैं, आपने जब वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग में, तो क्या कि जो भी है इमीडिएट निकालना है इसको हमने, आप देखो ये जंके दाग हैं, क्योंकि हाथ के हाथ सारे क्या अंग जंग भंग जो कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं है आसपास, कुछ नहीं करना, ये लगाया और जंग का दाग कहाँ है, कहते हैं गधे के सिर से सींग, बिल्कुल निकल चुका है। और बाकी ये कलर है जो जंग निकल चुका है, बाकी ये कलर लगा हुआ है, मेटल के बटन है, तो इसको भी डिप कर देते हैं इसी में।
और वीडियो काफी लंबी हो जाती है, पानी कम है, लेकिन क्या कि आप सब अपने हैं उसमें, इसमें पेन के दाग भी हैं, कलर के दाग भी हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पहले वाले कपड़े को, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाए चक्कर में हम भूल ही जाएं। सबसे पहले हमने डाला था शायद ये गारमेंट, सबसे पहले ये डाला था, इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़ी दिक्कत है, मेरे पास भी कोई पढ़ा लिखा होता या मैं भी पढ़ा लिखा होता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो हमने ये, पानी कम है और कपड़ा ज़्यादा हो गया है, आप देखें इसमें जो पेन का दाग बच गया है, बच क्यों गया, क्योंकि ये फोल्ड के अंदर आ गया है। बाकी जो कलर था ना, जो कलर है बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि जो कलर है ये बच गया है। क्यों बच गया है, क्योंकि ये मुड़ चुका था अंदर, केमिकल अंदर नहीं पहुंचा इसमें। और इसका, इसको मशीन में डाल देते हैं, मशीन में कह रहे हैं जो, अच्छा मशीन का क्या है, एक मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन, एक मशीन होती, सबसे पहले मशीन क्या होती है, थपकी जो कहते हैं ना कूट कूट के धोना, और उससे पहले होती थी जो छांटी मारते थे पाटे के ऊपर जो धोबी घाट पे होती है, फिर थपकी हो गई, फिर दूसरा हो गया हाथ से, और तीसरा हो गया हमारी सेमी वॉशिंग मशीन, जिसमें हाइड्रो हाइड्रो भी है और उसके अंदर वॉशर भी है। तो वो आप जो भी नए डाई क्लीनर हैं उसको लें, ऑटोमेटिक मशीन को ना लें। ऑटोमेटिक मशीन में पानी ज़्यादा लगेगा, सर्फ सोडा ज़्यादा लगेगा, और मेरा जो कहने का मतलब है कि आप अगर गलती करेंगे तो भाई मेरा काम होता है बताना। अब ये दूसरा हमने कपड़ा डाला था इसके अंदर, ये पजामा डाला था हौजरी का, पूरा भरा हुआ था कलर से, क्योंकि जब वीडियो बनाता हूँ तो उसी टाइम देखता हूँ। बाकी उसके बाद ये हमारा, ये हल्का सा कलर रह गया है और ये बिल्कुल निकल चुका है, निकल रह क्यों गया है, पानी कम है और ये जो हमने पेंट डाली थी पहले, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत कर रही है वो कपड़े उठाने में, जो हमने डायनम की पेंट डाली थी, इसको भी देख लें आप, ये डायनम की पेंट डाली थी हमने, क्योंकि रंगीन कपड़ों से आप जज कर सकते हैं, हमने डायनम की पेंट डाली थी और ये बिल्कुल कलर निकल चुका, कहाँ है कलर। अच्छा डायनम में क्या है, लोग घबरा जाते हैं, डायनम तो हकीकत में हाइपो ब्लीच में चलती है, ये इसमें थोड़ा सा पीछे बच गया है, आगे निकल चुका सारा, फ्रंट में सारा निकल चुका है। बच क्यों गया है, क्योंकि ये पानी में डिप नहीं हुआ था, हल्का सा टच हुआ था। अब लेते हैं हम ये जो कलर गारमेंट है, वीडियो लंबी हो सकती है, टाइम हो तो देखें, बाकी अगर आपको टाइम की दिक्कत हो तो प्लीज़, क्योंकि जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था उस टाइम हमारे एक वसीम भाई जी का फ़ोन आ गया था, मैंने लिया, उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वाराणसी से वसीम भाई जी का फ़ोन आया था, तो क्योंकि सब आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, तो ये हमारा ये जो गारमेंट है व्हाइट में तो कोई भी निकाल लेता, हाइपो ब्लीच रंग काट, ये देखो क्या शाइनिंग है, शाइनिंग देख रहे हो, क्या शाइनिंग है, और कलर कहाँ है, हल्का सा ये जो इंक का दाग है ये बचा हुआ है। बचा क्या हुआ कि इसमें जो केमिकल की जो मात्रा है थोड़ी सी बढ़ानी थी, बढ़ाई क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 10 ml डालते तो इमीडिएट निकल जाता, अब डालते हैं इसको जो हमारा ये गारमेंट है, गारमेंट क्या डायनम की पैंट है, और जितने इसमें लेदर भी लगा हुआ है, और ये है सब ब्रांडेड है, इसमें भी देखो वाश केयर है, वाश केयर लगा हुआ है इसके अंदर, ब्लीच का मतलब नहीं होता, लेकिन डायनम बिना ब्लीच के कौन बेवकूफ करता है, क्योंकि डायनम क्या है, इसके जो वॉशिंग होती है डायनम की वॉशिंग 20-25 वॉशिंग होती है,
उसमें बिना हाई पॉप ब्लीच, बिना क्लोरीन के कौन बेवकूफ करता है? लेकिन कहता है डू नॉट ब्लीच, वो कहते हैं ना वॉश के लगाने वाले कि रंगीन देख लिया कि भाई लगा दो पेल दो देखी जाएगी, क्योंकि इस पे अगर मान लो हकीकत में कहीं ब्लीच वैसे लगा देते हैं तो वहां से वाइटनेस आ सकती है। लेकिन एक जो इसका टारगेट होता है कि भाई जिसको नॉलेज हो थोड़ी सी भी, हमने डाला आप टाइम देखा घड़ी के हिसाब से कि मैंने अभी डाला, मेरे ख्याल इसमें 15 सेकंड हुए होंगे और आधे से ज्यादा दाग इसके निकल चुके हैं। और इसको कहते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट में कहते हैं जिंदगी इधर से उधर हो जाती है। अभी हमारे NCR में डाइक्लिन यानी बहुत सस्ती हो गई है कि मैं अभी दोपहर को बारिश आ रही कई दिन से अभी निकल के गया था, 3-4 दुकान घर के आसपास थोड़ा 2-3 किलोमीटर के एरिया में छाता लेके निकला, तो भाई कंबल ब्लैंकेट करवाने वाश 400 से लेके और 800 तक, जैसी दुकान मटेरियल वही है लेकिन क्या कि दुकान का किराया ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा चाहिए, सोसाइटी अच्छी है और वह 150 रुपये में भी हो जाते हैं, लेकिन सब पेट्रोल से करते हैं, बिना पेट्रोल के कोई नहीं करता। अच्छा मैं उनसे बहस क्यों करता कि मैंने कहा कि एक ऐसा कंबल है जिसको पानी नहीं लगा सकते, कहने लगा सर वो भी हो जाएगा लेकिन उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देना बिना देखे, क्योंकि ये जो चीज़ें, और हकीकत में क्या कि अगर उस फैब्रिक को मैं किसी भी जो डाइक्लिन है कोई ऑल इंडिया में किसी को दे दूं और वो पानी से करके दिखा दे, ब्लैंकेट की बात नहीं है उस गारमेंट को, और वो उसको सुरक्षित रख दे, तो मैं कहता है ना ये वीडियो वीडियो सब बनाने छोड़ दूंगा। क्योंकि है क्या कि जब आदमी, एक तो होता है सीख के, एक होता है उसमें रगड़ रगड़ के, जूते रगड़ के, घिस घिस के, तपस्या करके जब निकलता है, तो ऐसे ऐसे गारमेंट है कि छींटा मारो ना स्प्रिंग की तरह ऐसे से ऐसे हो जाता है, कहते ऐसे ऐसे था जो कहते हैं ना ऐसे था ऐसे हो जाता बिल्कुल स्प्रिंग। तो गारमेंट जब तक आपको 300 गारमेंट के आसपास तो लोगों को पता है, उससे आगे जो गारमेंट होते हैं जो कि आगे आने वाले, ये आने वाले रेंज नहीं, ये बहुत पुराना है, आने वाली रेंज में जैसे गारमेंट आ रहे हैं वैसे वैसे केमिकल भी आ रहे हैं, और उनको एडवांस में बताने का कोई उसका औचित्य नहीं बनता, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ें, और अभी तक हम DKR DKI चिल्लर विल्लर इसके आसपास घूम रहे हैं, इसके बाद भी ऐसे ऐसे केमिकल हैं कि 50 केमिकल की जगह हम 25 25 की जगह 15 15 की जगह 5, और हम चाहते एक दो केमिकल में सारा काम करने की हमें एक सहूलियत मिले और उसमें कर लें और उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी बातों बातों में हमारी ये जो कहते हैं ना जो डायनम की जो पेंट है ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद ना मेरे पास काम क्या बच जाता है कि इनको खंगालना, और इनको क्योंकि ये हमारी इज्जत बचाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, ये देख रहे हो ये वही डायनम की पैंट है जिस पे ये आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है आगे पीछे से, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ और चाहिए। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा दूसरे विषय पे, इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि अब दो मेहमान कलाकार हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं, थोड़ा साफ कर लूँ इसको क्योंकि अनकट चल रहा है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल 24 मिनट की हो चुकी है, हो सकता है आधे घंटे पौने घंटे की हो जाए, लेकिन टाइम हो तो देखो नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो कहते हैं ना फालतू तो आदमी हूँ, लेकिन क्या कि जिसको चाहिए जिसको अब ये लेते हैं, ये गारमेंट हमारा, ये हमारे बच्चे का है जो हमारी बच्ची है, तो क्या कि कपड़ा तो सही है लेकिन क्या कि ये पुराना लगने लगता है देखने में ना, मन से उतरने लगता है, इसको कैसे ऐसा करें कि जैसे अभी शोरूम से आया है,
बिल्कुल शाइनिंग, शाइनिंग कब होगी कि जो कलर है कलर डार्क हो जाए और जो वाइटनेस है वो ब्राइट हो जाए, तो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल खिल जाएगा कपड़ा, हंसते हुए सबको अच्छे लगते हैं बच्चे। अच्छा उसी तरह ये है, ये साड़ी मेरे ख्याल 2-3 महीने से पड़ी है और घर में लड़ाई भी होगी, कहते हैं ना हलवाई के घर में जो समोसे मिठाई बनती है ना तो घर वाले नहीं खाते, ये देख रहे हो दाग, काले दाग लगे हुए हैं इसमें, ये काले दाग लगे हुए हैं ये, और इसमें अब क्या लेके आए, क्योंकि घर की चीज़ें नहीं होती, घर में क्या कहते हैं कि हो जाएगा, और आपको गारंटी से कहता हूँ कोई आपका जान पहचान का कोई कपड़ा दे देगा ना कोई कि इसको ड्राई क्लीन कर देना, तो आप हो सकता है कि जिंदगी भर करके नहीं दोगे, जब तक वो कहते हैं ना आपको प्रेशर नहीं देगा, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये 100% सच होती है, इसमें किसी तरह की कोई, अच्छा इसी तरह ये कलर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये कलर लगा हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे, निकालने के तरीके क्या होते हैं, जो कपड़े के ऊपर दाग होते हैं हकीकत में 2 तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको 3 कैटेगरी में ले लेते हैं, एक होता है वाटर वेस्ट, एक होता है ऑयल वेस्ट, ऑयल वेस्ट में हमारा गम भी आ जाता है, ऑयल वेस्ट में हमारा तार कोल वगैरह ईगम चीगम पीगम जो सब आ जाता है, और वाटर वेस्ट में पानी से संबंधित जो दाग होते हैं वो आ जाते हैं, तो ये क्या कि इसको निकालने के लिए हमारे DKR है, DKI है, XNI है, और इसके अंदर उसमें एक चीज़ और बताऊं, ऐसी सैलरी है, ऐसी सैलरी इनकी जन्मदाता है, क्योंकि समझो थोड़ी सी बात, ऐसी सैलरी है इन सब की, कहते हैं ना नानी दादी है कि ये सब चीज़ें, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये कौन बता देता है कि भाई मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कंपटीशन से लेन देन है, मेरा क्या कि आप सब मेरे हैं, मैं आप सबका हूँ, तो क्या कि ये है इसके अंदर यह ग्रीन कलर लगा हुआ हल्का सा, ये रेड कलर है, ठीक है, तो अब इसको हम जो स्पॉटिंग है स्पॉटिंग करेंगे, जो काले दाग है उसके लिए क्या कि कई बार की ये जॉर्जेट है गारमेंट है, जॉर्जेट है साड़ी, तो इसमें जो है धब्बा दिखाई दे रहा आपको, ब्लैक ब्लैक स्टेन दिखाई दे रहा, तो इसकी स्पॉटिंग करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखें टाइम हो तो देखें, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम होता है बनाना, बाकी आपको अच्छा लगे ना लगे, और जो भाई हमारा जुड़े हुए साथ में, तो हमने कहाँ गया दाग, ये दाग है ये वाला, तो इसको हमने रखा क्योंकि ये पानी लिया, और बुर्श बुर्श बोले हैं कपड़े के नेचर के हिसाब से, बुर्श कपड़ा सॉफ्ट है सॉफ्ट बुर्श लें, कपड़ा हार्ड है हार्ड बुर्श ले लें, डायनम के ऊपर हार्ड बुर्श लगा सकते हैं, और इसके ऊपर हम सॉफ्ट बुर्श लगाएंगे, और इस पर बुर्श नहीं लगाएंगे, इस पर हम पता क्या इसको उंगली से करेंगे, यानी ऐसे करेंगे, नाखून नहीं होने चाहिए, नाखून मेरे में नाखून थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन संडे था नहीं काट सका, तो क्या कि ये बुर्श लिया, और हमने ये अमाइल अमाइल एसीटेट, प्रथम केमिकल होता है पानी, दूसरा होता है अमाइल एसीटोन बेंजीन, तो हमने क्या कि इस पे हल्का सा ये लगाया, इसके साथ में आप क्या लगा सकते हैं, इसके साथ स्टेनोप लगा सकते हैं, BSR यानी ब्लैक स्टेन रिमूवर लगा सकते हैं, ब्लैक स्टेन रिमूवर BSR, उसके साथ में आप कोई भी जो हमारा इसके अंदर NID होता है NID लगा सकते हैं, कोई भी NID, कोई भी NID लगा सकते हैं, NID लगा कोई सर्फ सोडा कुछ भी लगा सकते हैं, क्या कि ये इसको इसको निकालता हूँ इससे, ये NID यानी लिक्विड सोप ये लगाया, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, अब इसको बुरश से रगड़ के दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों को ये रहता है कि हो सकता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने रगड़ा बुरश हार्ड है, ये हार्ड बुरश है,
बुश चलाने का तरीका होना चाहिए कि उसको लेंथ में चलाना है या विड्थ में चलाना है। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि कपड़े की विड्थ में चलाना चाहिए। ये किया और ये हम आप देख रहे हो, ये मैं इस पे कर रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, और ये ज़्यादा कपड़े को रगड़ नहीं सकते, कपड़े में सिकन आ जाएगी तो कपड़ा वहाँ से फट सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे, जो दाग है, जो दाग को हमने ऐसे पकड़ा, आपको दिख रहा है ये दाग, और इसको हम हल्का सा पानी ला के, हल्के हाथ से, नखून नहीं लगाना, इसको ऐसे रगड़ेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, हल्का सा इसमें अमाइल लगाएंगे। अमाइल बहुत कहते हैं ना, जब आप इसको यूज करोगे तो आपका इसका बेनिफिट पता लग जाएगा कि अमाइल एक तरह का वरदान है कपड़ों के दाग के लिए, खासकर जो ऑयल बेस होते हैं, जो हमारा ये आप देख रहे हो ये है, क्योंकि मुझे रगड़ने वगड़ने से एलर्जी है। लेकिन क्या कि इसको चाहते तो मशीन में भी कर लेते, लेकिन क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी काफ़ी भाई लगे रहते हैं उसमें, हमारे हो सकता है राधे श्याम जी गुस्सा मान जाते हो, क्योंकि मुझे कोई बुराई नहीं है किसी से वो करने की, क्योंकि हल्की फुल्की जो डिबेट होती है, जो मन मोटा हो सकता है, बाकी वो बहुत मेहनती हैं, बहुत कहते हैं ना संस्कारी हैं, हर एक काम उनके सही हैं, बाकी कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, और मतभेद होना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या कि एक काम करने की एक शैली, काम करने का जो कहते हैं ना, वो एक उसके अंदर एक बदलाव आता है, एक नयापन आता है। तो हमारा ये जो दाग है निकल चुका है, हल्का सा है, यह भी हमारा दाग क्लियर हो चुका है बिल्कुल, आप देख रहे हो हल्का सा ये बचा हुआ है, इसको भी रगड़ देते हैं। ये भी निकल चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो उसी तरह हमारा ये दाग है, तो इसको भी ऐसे निकालना है। इस पे अमाइल लगाएं, और अमाइल के साथ में या तो इसमें एक्सनाइल लगा दें, इससे जल्दी एक्सनाइल लगा दें, या इसके ऊपर और स्टेनोप लगा दें जो जल्दी निकल जाता है, क्योंकि स्टेनोप में बहुत ताकत होती है, उठका गुटका इस टाइप के अलग अलग चाय वाय के जो दाग निकालने के, क्योंकि ये लगा दिया, इसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि लगे हाथ कहते हैं ना। और हमारे क्या है क्या कि जब भी कस्टमर आता है, कस्टमर की बातों से और जो उस एरिया के हिसाब से, ये हमने ये देख रहे हो बिल्कुल हार्ड स्टेन था, और जैसे लगाया और लगाते के साथ ही ये फैल चुका है, फैल गया है, और फैलने के बाद क्या है कि इसको और थोड़ा सा, थोड़ा विड्थ में थोड़ा लेंथ में, हमारा ये दाग बिल्कुल क्लीन हो चुका है। क्योंकि मैं बार बार मना करता हूँ रगड़ना वगड़ने से, लेकिन क्या कि जो वीडियो बना रहे, इसको मशीन में डालते हैं वहाँ निकल जाता, उसमें दिक्कत नहीं थी, सॉल्यूशन बनाते उसमें चिल्लर का, और चिल्लर के साथ में एक्सनआई या साथ में डीकेआर या डीकेआई या वाशिंग हो, केमिकल बहुत है, क्योंकि बाकी जो केमिकल है उनका मैं नाम लेने से इसलिए बचता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल निकल चुका है, नाम मात्र के लिए। तो दोस्तों कपड़ा जो है, कपड़ा जो है, अच्छा इसमें क्या है कि ये है, इसको जो गारमेंट होता है बद्दापन आ जाए वाइट गारमेंट के लिए, वाइट गारमेंट में क्या कि हम जब भी वाइट गारमेंट हमारा पीलापन हो जाता है, एक तरह का उसको बार बार वॉश कर करके पीलापन आ जाता है, तो उसके लिए क्या है? आप उसके ऊपर ऑप्टिकल वाइटनर टोबी यानी टीनोपाल एस एच आई यूज कर सकते,
और ज्यादा दिक्कत होती है तो उसको लास्ट वाइटनेस के लिए उसमें हाइड्रोपेसाइड और बेकिंग सोडा गर्म पानी में कर सकते हैं। उसी तरह रंगीन कपड़ों के लिए होता है, रंगीन कपड़ों के लिए ऑक्सीब्लीच, ऑक्सीब्लीच जो वेनिश है दुकान पे आपको सर्फ के रूप में मिल जाता है, और आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% का और साथ में बेकिंग सोडा। तो ये क्या कि रंगीन कपड़ों का ब्लीचर है ये, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप बिल्कुल गांठ बांध के रखे हैं, ये आपको काम आने वाली चीजें हैं। ये जो चीजें हैं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मुझे कोई उकान दुकान नहीं चलानी, आपकी दुकान जो चलती है तो उसी से जो मुझे खुशी होती है वो ही मेरे लिए, कहते हैं ना, मेरे लिए अवार्ड है, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत हैं और आगे हम सब जुड़े हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम है आप कपड़े के विषय में कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे साथ में नहीं, क्योंकि एक परिवार है, परिवार की ये खूबसूरती होती है संयुक्त परिवार होते हैं जो, उनमें लाख लड़ाई होती है लेकिन क्या कि वो एक उदाहरण है इस समाज के लिए, इसे टाइम के लिए। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन है बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।